मैं आपके सामने एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ जिसके अंदर की जो वायरिंग हार्नेस है BS6 की वो बस्ट हो गई। आप देखेंगे ये BS6 की वायरिंग हार्नेस है और ये बस्ट हो गई। इसका रीज़न क्या था ये देखिए, ये पूरी वायरिंग हार्नेस यहाँ से बस्ट हो गई। प्रोडक्टर के अंदर जल गई। अब ये वायरिंग हार्नेस पूरी कंप्लीट बेकार हो चुकी है। ऐसे जो केस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ना समझी के कारण होते हैं, जिससे कस्टमर को भी नुकसान होता है और डीलरशिप का और का भी नुकसान है। ऐसे केस वारंटी में भी एक्सेप्ट नहीं होते। ये जो वायरिंग हार्नेस है इसमें आप देखेंगे तो ये फ्यूज़ बॉक्स दिया गया, ये जंक्शन बॉक्स है, ये मेन फ्यूज़ है 30 एम्प का, ये रिलेज लगी हुई हैं, एक रिले मिसिंग और यहाँ पर सारे फ्यूज़ लगते हैं। तो ये जो फ्यूज़ है बेसिकली आप देखिए, ये जो मेन कनेक्टर है, ये जो पीछे से कैबिन से जो सप्लाई आ रही है बैटरी के साथ से, उसी कैबिन के जस्ट यहाँ पर पहले ये पास में ये दिया गया फ्यूज़ बॉक्स दिया गया। अब समझने वाली बात है कि फ्यूज़ बॉक्स क्यों दिया गया, वायरिंग हार्नेस क्यों जली और फ्यूज़ बॉक्स बिल्कुल यहीं पर क्यों दिया गया जहाँ से मेन सप्लाई इसकी मेन कनेक्टर की जो व्हीकल से उसको सप्लाई मिल रही है बैटरी से, और ये इस सप्लाई के साथ क्यों दिया गया। तो इसका कारण है कि ये फ्यूज़ बॉक्स और जो जंक्शन बॉक्स के अंदर रिले और मेन फ्यूज़ दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि वायरिंग हार्नेस की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो सके। वायरिंग हार्नेस कभी भी बस्ट अपने आप नहीं होती है, उसकी सुरक्षा के लिए फ्यूज़ दिए गए हैं गाड़ी में। आप ये देखेंगे तो ये कि ये फ्यूज़ दिया गया है जो कि इंटैक्ट है, ओके है, और ये फ्यूज़ के ऊपर इसके एम्प्स लिखे हुए हैं, ये 15 एम्प्स का है। अब ये जो ओके फ्यूज़ है इसका काम क्या है, ये अपनी इस जगह पर वायरिंग हार्नेस के अंदर इस पॉइंट पे लगता है और यहाँ पे इसको किसी भी कारण से यदि कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे लगता है, ये लग गया। अब किसी भी कारण से यदि कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फेल होता है या रेजिस्टेंस घटता है तो ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा और वायरिंग हार्नेस को जलने से बचा लेगा। ये देखिए ये फ्यूज़ यहाँ से ब्लो हो जाएगा और वायरिंग हार्नेस को जलने से बचा लेगा। अब ये गलती जो होती है, वायरिंग हार्नेस बड़ा महंगा कंपोनेंट है, पूरा बस्ट हो गया, इसके अंदर जो गलती हो रही है वो गलती का कारण क्या था, इस गलती का जो कारण है ये एक नासमझी की वजह से हुआ है। ये देखिए, ये इस गाड़ी के वायरिंग हार्नेस के ऊपर फ्यूज़ के ऊपर फ्यूज़ जला हुआ फ्यूज़ है देखिए, और इसके ऊपर आप तार देखेंगे तो ये तार लपेटा गया था, इस तार से इस फ्यूज़ को डेड फ्यूज़ को लाइव किया गया और लाइव होने से इसमें जो अधिक करंट का जो वोल्टेज था उसको सहने की जो क्षमता बढ़ गई और वो उसने वायरिंग हार्नेस में आगे पास कर दिया, जिसकी वजह से ये वायरिंग हार्नेस बस्ट हुई है। तो आप एक बात को समझिए, कभी भी किसी भी हालत के अंदर किसी भी वायरिंग हार्नेस में यदि फ्यूज़ उड़ रहा है तो वो आपके लिए एक अलर्ट है, सूचना है कि आपको वायरिंग हार्नेस का में चेक करना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सेंसर एक्चुएटर या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो चेक करने हैं, कंटिटी चेक करनी है, रेजिस्टेंस चेक करना है, वोल्टेज चेक करने हैं और जहाँ पर ये दिक्कत आ रही है उस कनेक्शन को ठीक करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और उसके साथ उसकी जगह पर आप उस कारण को समझे बगैर ये ऐसा काम करेंगे तो वो गलत है, उससे क्या होगा कि वायरिंग हार्नेस बस्ट होती रहेगी, बस्ट हो जाएगी, उसको बचा पाना मुश्किल है। ये देखिए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस बात का ध्यान रखिए और कभी भी कोई भी वायरिंग हार्नेस के अंदर यदि फ्यूज़ उड़ रहा है तो
ये एक चेतावनी है, उसको समझिए। उस पर्टिकुलर फ्यूज़ को देखिए, वो क्यों उड़ रहा है, उसके कनेक्शन को देखिए, उसके इनपुट आउटपुट को देखिए, कनेक्टर को देखिए, कहीं वायरिंग हार्नेस कहीं बॉडी पे टच तो नहीं है, उसका कवर, ये जो कवर दिया गया, इतना मोटा कवर दिया गया, सारे जो कवर दिए गए, सुरक्षा कवर दिए गए, ये कहीं कट तो नहीं गए हैं, कहीं फाउल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेटल तो नहीं फाउल कर रहा है, वो सब चेक कीजिए। और कभी भी फ्यूज़ के ऊपर ऐसे फ्यूज़ के ऊपर वायर मत लगाइए प्लीज़, इसके लगाने से नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। आप यदि इस बात का ध्यान रखेंगे तो वायरिंग हार्नेस बस्ट कभी नहीं होगा। वायरिंग हार्नेस काफ़ी महंगा कंपोनेंट होता है, इसमें कनेक्टर लगते हैं, इसके अंदर जंक्शन बॉक्स होता है, इसकी सीलिंग होती है, तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है और वायरिंग हार्नेस को बस्ट होने से बचा सकते हैं यदि आप प्रॉपर डायग्नोस करेंगे, इसके फ्यूज़ को पे तार नहीं लपेटेंगे तो। धन्यवाद।